हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूं। आज मैं आपके लिए एडमिशन्स लेकर आया हूं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो स्टेप माय फॉलोस। ओके, तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। या फिर आप क्या करना है, आप गूगल या फिर आप क्रोम के ऊपर जाएंगे तो आप लिखेंगे सिर्फ admissions.zu.educate। आप सिर्फ ये लिखेंगे, आपके सामने शो हो रहा है, सही। तो अब आपने करना क्या है, जैसे ही आप लिखेंगे ZU admissions 2024 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके सामने ओपन हो जाएगा फिर, सही। ये देखें, जैसे ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा तो जहाँ पर लिखा होगा कि ऑल प्रोग्राम सर्च, आप ऑल प्रोग्राम सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, तो आपको किस में स्टडी करना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, फार्मेसी चाहिए, BDS चाहिए, MBBS चाहिए, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी चाहिए, जो भी आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो नवंबर तक है। तो फॉर सपोज़ मैं स्टडी करना चाहता हूँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अप्लाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये देखें, सही। ओके, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा होगा कि प्रोसीड, आप क्या करेंगे, प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, ये देखें, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे अपना, आपका जो नेम है आप यहाँ पे वो लिखेंगे, सही है। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा, सही है, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ईमेल एड्रेस है आपको सिंपल में यहाँ पर वो लिख देनी है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखूँगा, सही है, ये देखें। ओके, ये देखें, तो मैं अपनी यहाँ पे ईमेल लिखूँगा। ओके, ओके, जैसे ही आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं हूँ मेल, तो मैं मेल यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं मोबाइल नंबर, आप क्या करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है आपको सिंपली यहाँ पर वो लिख देना है, सही है, ये देखें। ओके, उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे वो लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं उर्दू में आपकी पैदाइश तारीख, सही, आप यहाँ पे वो लिखेंगे, सही। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि पासवर्ड, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है आप यहाँ पे वो लिखेंगे, लेकिन वो लिखेंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, सही। जो आपने ऊपर वाला पासवर्ड लिखा है सेम आप पासवर्ड क्या करेंगे, नीचे भी लिखेंगे, सही, ये देखें। ओके, जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका जो सीनियर नंबर है आपको सिंपली यहाँ पे वो लिख देना है, सही। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि क्रिएट अकाउंट, आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, ये देखें। ओके, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि फ़ोन नंबर। ओके, तो मैंने क्या किया, फ़ोन नंबर सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ फ़ोन नंबर अपना सही लिखेंगे, सही है। ओके, आपने क्या करना है, जैसे ही आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लिया, ओके, तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ फिर से लिखता हूँ, सही। ओके, तो जैसे ही आपने ये वाला स्टेप कर लिया तो नीचे शो हो रहा है कि, ये देखें, नीचे शो हो रहा है कि क्रिएट अकाउंट, आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें, सही है। ओके, जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है कि इंटर मोबाइल कोड, आप क्या करेंगे, आपकी जो जीमेल है वहाँ पर आपका जो मोबाइल कोड है वो आ जाएगा। आप क्या करेंगे, अपनी जीमेल पे जाएंगे और जो कोड है आपको यहाँ पे सिंपली वो लिख देना है। तो मेरे पास कोड आ चुका है दूसरे मोबाइल में, जीमेल में यहाँ मैं लिखूँगा, सही, ये देखें। ओके, उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि इंटर सेंट ईमेल कोड, आप क्या करेंगे, आपकी जो ईमेल है उसके आप क्या करेंगे, अपने ईमेल में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि मोबाइल का कोड और आपका जो ईमेल कोड है आप यहाँ पे वो लिखेंगे। तो
सेम ही जीमेल पे आपके पास ये दोनों कोड आ जाएंगे। सही है, ये देखें, आप अपनी जीमेल पे जाएंगे, सही है, ये देखें। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीफाई कोड, आप क्या करेंगे, वेरीफाई कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो स्टेप है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाला ओपन हो चुका है। ओके, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। बायोग्राफिकल का मतलब ये होता है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सेकंड स्टेप में प्रोग्राम सिलेक्शन, आपको किस में स्टडी करनी है, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, आप वो सिलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में कह रहा है कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। फाइनल में कह रहा है कि फाइनल रिव्यू आपको देना है। तो फर्स्ट स्टेप बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, ये देखें। ओके, तो सबसे पहले अब आपने करना क्या है, ये देखें। तो यहाँ पर कह रहा है कि पिक्चर अपलोड, अब आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आप यहाँ से वो अपलोड कर देंगे अपनी, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो फ़ोटो है सिंपल, मैं यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सही है, देखें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ओके, जैसे मैंने, अब आपने क्या करना है, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट कर देना है, आपने फ़ोटो अपलोड कर दी। उसके बाद यहाँ पर शो रहा है कि ये देखें, फुल नेम आपने लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपने पहले लिखी हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री, आपको क्या करना है, आप कौन से कंट्री में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना यहाँ पे लिखेंगे कि पाकिस्तान, सही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाकिस्तान लिखूँगा, ये देखें। ओके, जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट प्रोविंस, आप कौन से प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, आज़ाद कश्मीर से। तो फॉर सपोज मैं जो बिलोंग करता हूँ वो सिंध से करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंध लिख लिया, सही है। सिटी, आपका जो सिटी है वो कौन सा है, तो मैं सिंध में रहता हूँ, कराची में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि कराची, सही है, देखें। ओके, जैसे मैंने लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आप मेल हैं तो मेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी, पाकिस्तानी है आप पाकिस्तानी पे ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं आपका जो CNS नंबर है आपको यहाँ पे वो लिख देना है सिंपल में। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कौन सा है, सिंध का है, पंजाब का है, कौन से प्रोविंस का है, आप वो लिखें। सेल नंबर खुद बिल्कुल लिखा हुआ है, आपने फर्स्ट स्टेप में किया था, सही है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं फादर नेम, आपके जो फादर नेम, आपके फादर है, आप क्या करेंगे उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं आपके जो फादर हैं आप क्या करेंगे उसका CNS नंबर यहाँ पे लिखेंगे, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ओके। जैसे ही मैंने यहाँ पे CNS नंबर लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं फादर सेल नंबर, आप क्या करेंगे आपके जो फादर हैं आप क्या करेंगे यहाँ पे उसका जो मोबाइल नंबर है आप सिंपली यहाँ पे वो लिखेंगे, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इज़ योर गार्डियन अदर देन योर फादर, क्या आपको फादर के अलावा कोई और सपोर्ट करता है, अगर सपोर्ट करता है तो आप क्या करेंगे येस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके फादर के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता है आप क्या करेंगे नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉर सपोज मुझे सपोर्ट करता है तो मैं येस के ऊपर आप क्लिक करूँगा, ये देखें, सही है, ये देखें। जो मुझे जो फादर के अलावा जो सपोर्ट करता है, मुझे अपना ब्रदर सपोर्ट करता है, तो मैंने यहाँ पे येस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन नेम लिखना है आपको, आपको जो सपोर्ट करता है आप उसका नेम लिखेंगे, सही है। फॉर सपोज मुझे सपोर्ट करता है ब्रदर करता है, तो मैं अपने भाई का नाम यहाँ पे लिखूँगा हमज़ा। अगर आपको सपोर्ट जो करता है फॉर सपोज आपको अंकल सपोर्ट करता है आप उसका नेम लिखेंगे। रिलेशन कौन सा है आपका वो लिखेंगे, उसकी आप ईमेल लिखेंगे, सही है। रिलेशन मतलब आपका ब्रदर है अंकल वो लिखेंगे। गार्डियन जो आपको सपोर्ट करता है आप उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे शोरा के CNS नंबर आप उसका लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको पता किस कैसे चला के ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स आ चुकी हैं। तो फॉर सपोज मुझे जो पता चला वो पता चला गूगल से, मैंने यहाँ पे गूगल लिख लिया, सही है। ओके, जैसे ही आप ये वाला स्टेप करेंगे तो आप क्या करेंगे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि परमानेंट होम एड्रेस, आप क्या करेंगे आपकी जो होम एड्रेस है आपको यहाँ पे वो लिख देनी है। तो फॉर सपोज मैं रहता हूँ सच्चल गोट में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया अपनी एड्रेस। कंट्री आपको लिख देना है, आप कौन से कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे लिखेंगे, सही है, ये देखें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पाकिस्तान लिखूँगा, सही, ये देखें। ओके, जैसे ही आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या प्रोविंस, आपको क्या करना है आपका प्रोविंस जो भी है आपको वो लिख देना है। सिटी, आप कौन से सिटी में रहते हैं आप यहाँ पे वो लिखेंगे, सही है। तो फॉर सपोज मैं रहता हूँ कराची, तो मैंने यहाँ पे कराची लिख लिया। उसके बाद लैंडलाइन नंबर आप इसको लीव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। उसके बाद अगर ऊपर वाली सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जो आपके CNS नंबर पे हो, करंट एड्रेस भी अगर सेम है तो आप क्या करेंगे सेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही ये वाला आप स्टेप कर लेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि नेक्स्ट, अब आपने करना क्या है, नाउ यू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। ओके,
आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रोग्राम सिलेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही है, देखें ओके। आपको किस में स्टडी करना है, आप क्या करेंगे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मेसी में मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था उसमें अप्लाई करने के लिए, तो सेकंड चॉइस आपको कौन सी है, अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे शो कर देंगे। अगर आपको फार्मेसी ना मिले तो आपको दूसरा मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर BBA कर लिया। सेकंड थर्ड चॉइस यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको वो भी नहीं मिले BBA तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर सपोज मैंने कर लिया कि ये देखें BS न्यूक्लियर मेडिकल मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि नेक्स्ट, आप क्या करेंगे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो दो स्टेप है आपके वो कम्प्लीटली हो गए हैं फिल, सही है ओके। अब आपने करना क्या है, थर्ड स्टेप में कह रहा है कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन है आपको वो दे देनी है, सही है। SSC अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप SSC पे ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप ओ लेवल किया है तो ओ लेवल के ऊपर आप क्लिक करेंगे ओके। तो मैंने किया हुआ है मैट्रिक तो मैंने SSC पे ऊपर क्लिक कर दिया ओके। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको ओके, यहाँ पे कह रहा है स्कूल का नेम लिखेंगे, आपने मैट्रिक कौन से स्कूल से किया है। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैंने जो स्कूल से किया है तो मैं यहाँ पे अपने स्कूल का नेम लिखूँगा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची, मैंने यहाँ पे वो लिख लिया, सही ओके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, तो मैंने ऊपर आपने बोर्ड लिख लिया, सॉरी बोर्ड का मतलब ये है कि आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से किया है। तो ऊपर यहाँ पे शो रहा है कि अपने क्या करेंगे स्कूल का आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, सही है ये देखें। तो आपने मैट्रिक कौन से स्कूल से किया है आप वो लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कर लिया कि अल मुर्तज़ा स्कूल कराची, मैंने इसके ऊपर आप क्लिक कर दिया। जो भी मतलब ये है कि जो भी कराची में जो स्कूल होंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने मैट्रिक कब पास किया है अब यहाँ पे वो लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो मैट्रिक किया है वो 2021 में किया है, सही है, मैंने वो लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल मार्क्स, आपकी जो टोटल मार्क्स है मैट्रिक में वो कितनी है अब यहाँ पे वो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टोटल मार्क्स मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि ऑप्टेन मार्क्स, आपने कितनी मार्क्स ऑप्टेन की है आप यहाँ पे वो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एज अ सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो रहा है कि HSC, आप क्या करेंगे अपनी FAC की इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब क्लास 12th की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है कि स्कूल, अगर आपका स्कूल सेम है जो आपका मैट्रिक में है तो आप सेम यहाँ पे लिखेंगे, बोर्ड भी सेम है तो आप यहाँ पे सेम लिखेंगे, सही ये देखें। आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, सही ये देखें ओके। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे अपने बोर्ड लिखेंगे, आपका जो बोर्ड है क्लास 12th का आप वो लिखेंगे। तो मेरा जो बोर्ड है वो कराची से है तो मैंने यहाँ पे कराची लिख लिया, सही। इसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि स्कूल, आपका जो स्कूल है आप क्या करेंगे उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे, सही। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरा जो स्कूल है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि आदम जी गवर्नमेंट स्कूल, मैंने उसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, सही। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है आपने कब, आपने जो FAC किया हुआ है वो कब किया है। तो मैंने 2021 में मैट्रिक किया तो मैंने FAC कर लिया 2023 में, सही है ओके। अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल देंगे, अगर आपका FAC का रिज़ल्ट नहीं आया तो आप क्या करेंगे अवेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही ओके। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो FAC की जो मार्क्स है टोटल आप यहाँ पे वो लिखेंगे, सही है ये देखें आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की है और यहाँ पे वो लिखेंगे ओके। आपकी परसेंटेज खुद बाय खुद यहाँ पे बन चुकी है। अब आपने करना क्या है ये देखें, अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया है इसके अलावा NTS का आपने टेस्ट दिया है, सही MBBS का दिए, MDCAT का, आप यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन दे यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो स्टेप है वो फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके चार स्टेप फिल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप फिल कर देना है, सही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा फाइनल रिव्यू, आप फाइनल रिव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही है ये देखें। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अंडरटेकिंग के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई, आप क्या करेंगे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबमिट एप्लीकेशन। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ये देखें सही। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर नीचे शो हो रहा है कि प्रोसीड, आप क्या करेंगे प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें
ओके, जैसे ही प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो फ़ीस है आपको वो किस तरह से पेड कर देनी है। सही है, ओके। अगर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कोविड के बारे में अगर आपको कोई अगर आपने कोविड वगैरह करवाया है तो आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन उसकी दे सकते हैं। अगर आपने कोविड की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है तो आप इसको लिख कर सकते हैं। सही है, तो एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे बाय क्विक पे, आप क्या करेंगे क्विक पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको फीस पेड कर देनी है। सही, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो चुका है कि क्विक पे का जो अकाउंट नंबर है आप क्या करेंगे, सिंपली इसको आप कॉपी करेंगे। ये देखें, वेन एवर यू कॉपी दिस अकाउंट नंबर देन आपको क्या करना है, आप अपने इजी पैसा या फिर हाँ आप क्या करेंगे अपने इजी पैसा में चले जाएंगे। ओके, तो जैसे ही आपने क्विक पे वाला अकाउंट आपने कॉपी किया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है कि इजी पैसा, आप क्या करेंगे इजी पैसा में आ जाएंगे। ओके, जैसे ही आप इजी पैसा में आ जाते हैं तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे शो हो रहा है कि बिल पेमेंट, आप क्या करेंगे बिल पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें, जैसे ही आप बिल पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने करना क्या है, बिल पेमेंट के बाद यहाँ पे शो हो रहा है ये देखें कि अदर्स, आप क्या करेंगे अदर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही अदर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि क्विक पे, आप क्या करेंगे क्विक पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि इंटर क्विक पे आईडी, आपने जो वहाँ से नंबर कॉपी किया अब यहाँ से पेड करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस की जो चालान है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और चालान भी ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी क्योंकि आपके लिए फ़ायदा है। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और हाँ बाय।